सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फोकट की जानकारी। सो देखिए फ्रेंड्स, आज की उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बिजनेस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर इस बिजनेस को आप करते हो तो इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं है। इसमें थोड़ा पैसा लगा करके भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप इसमें ज़्यादा पैसे लगाना चाहते हो तो आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगा करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम आप घर से कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिजनेस इतना टॉप लेवल का है, अगर इस बिजनेस को आप करते हो तो इसमें कभी मंदी आएगी ही नहीं, ठीक ना। ये ऐसा बिजनेस है कि बस आपको मार्केट में पैसा लगाना होगा। मार्केट में पैसा लगाने के बाद आपका पैसा, अगर मान लीजिए 500 रुपये लगाते हो तो यहाँ पर आपका तुरंत 700 रुपये तक का यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको 500 रुपये लगाना है और 500 का मतलब 700 तुरंत तैयार हो जाएगा। कैसे करना है, थोड़ा माइंड से आपको करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको पैसे को रखना पड़ेगा अपने पास में, क्योंकि फ्रेंड्स इसके लिए आपको प्रोडक्ट को खरीद करके आपको स्टॉक करना होगा। इसके लिए सबसे एक मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कौन सा चीज़ है कि आपके पास रहना चाहिए एक गोडाउन, ठीक ना, जो कि गांव या हो या देहात हो या कहीं भी, आपको थोड़ा जगह चाहिए प्रोडक्ट को खरीद करके रखने के लिए। अगर आपके पास जगह है तो फ्रेंड्स आप इस बिजनेस को आज ही स्टार्ट करिए। आपका ये बिजनेस बहुत टॉप लेवल का है, बहुत ज़्यादा चलने वाला है और इसमें कमाई एक नंबर का है, ठीक ना। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत से लोगों के दिमाग में आता ही नहीं है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाया जा सकता है। बट मेरे दिमाग में आया है तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को ये बिजनेस बता दिया जाए, जिस जैसे कि गांव में या फिर कहीं भी आप लोग रहते हो तो बहुत ही अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद कितना फायदा होगा, इस बिजनेस को करने के लिए प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदना होगा और कहाँ प्रोडक्ट सेल करना होगा। ये कोई पैकिंग का बिजनेस नहीं है, न चॉकलेट का बिजनेस है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, एकदम नया न्यू टाइप का बिजनेस है। अगर आप इसे करते हो तो फ्रेंड्स बहुत से लोग इसे देख करके यही सोचेंगे कि ये कोई लो लेवल का बिजनेस है। बट फ्रेंड्स यकीन मानिए, अगर इस बिजनेस को आप कर लेते हो तो इसमें बेनिफिट यानी फायदा बहुत टॉप लेवल का है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं एक कौन सा बिजनेस है, इसे करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत की प्रोडक्ट चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जान लेते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए कितना पैसे की जरूरत होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस ये करना चाहते हो, ये बिजनेस है पुराने गत्ते का बिजनेस, ठीक ना। क्योंकि फ्रेंड्स मैं खुद हफ्ते में, मात्र एक हफ्ते में कम से कम 2000 रुपये का गत्ता सेल करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम करता हूँ, क्योंकि मैं ये बिजनेस नहीं करता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास खुद का किराने का बड़ा दुकान है, जो कि छोटा मोटा नहीं है, होलसेल की दुकान है, जिसमें बहुत ज़्यादा गत्ता खाली होता है डेली बेसिस पर। और वहाँ पर इसे इकट्ठा करके अगर मात्र एक हफ्ता का प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो यहाँ पर कम से कम 2000 रुपये का मात्र गत्ते का जो है कि यहाँ पर बचत हो जाता है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आप लोग भी अगर इसका बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप लोगों के पास गत्ता नहीं है तो आप लोग इसकी खरीदारी मार्केट से करके आप पहले कस्टमर बनाइए। कस्टमर बनाने के लिए आपको मार्केट में निकल जाना होगा, और जहां पर भी हर एक दुकान पर, लगभग कुछ ही ऐसी दुकान है जहाँ पर गत्ते का प्रोडक्ट नहीं आता है, बकिया अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारा ऐसा दुकान है जहाँ पर गत्ते का प्रोडक्ट आता है, वहाँ पर गत्ता खाली होता है और गत्ता खाली होने के बाद लोग रख देते हैं, इकट्ठा करने के बाद उसे सेल करते हैं। तो आपको करना क्या है कि पहले आपको कस्टमर बनाना होगा। कस्टमर बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस समय गत्ते का प्राइस जो है 18 रुपये से लेकर के 20 रुपये के बीच में गत्ते का प्राइस है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। कभी इतना प्राइस आता नहीं है, इस समय यही प्राइस आया है। तो इस समय जो गत्ता खरीद ले रहा है, तो जो कि बेच दे रहा है, उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जा रहा है, क्योंकि गत्ते का प्राइस 10 रुपये से लेकर के 15 रुपये के बीच में ही रहता है। क्योंकि वो ओल्ड वाला जो गत्ता आता है, जैसे मान लीजिए कोई भी गत्ता हुआ,
गत्ता का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और वो वेस्ट में चला जाता है, तो उसे रद्दी के रूप में वजन मतलब किलो से तौल करके जब बेचते हैं तो 10 से लेकर के 15 रुपए के बीच में ही वो बिकता है और उसका एक बेनिफिट निकल जाता है, यानी फायदा निकल जाता है। तो ऐसे में आप इसी का बिजनेस करते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इतने सारा गत्ता है जो कि इसका बिजनेस आप करके बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका बिजनेस करने के लिए अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो आप बहुत ही इजली इस बिजनेस को करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। तो यहाँ पर 50,000 रुपये आपका लगेगा कहाँ, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले आप मार्केट से गत्ता, जब गत्ते का रेट डाउन होता है तब, ये नहीं कि जब गत्ते का रेट बढ़ा है तब नहीं, जब गत्ते का रेट डाउन हुआ तो होता है तो उसी टाइम में आपको करना क्या है कि गत्ते को मार्केट से खरीद करके आपको अपने स्टॉक में स्टॉक कर लेना है, ठीक ना। स्टॉक करने के बाद मान लीजिए आपने 40,000 रुपए का गत्ता स्टॉक कर लिया, उसके बाद आपको देखना है कि कब गत्ते का प्राइस बढ़ रहा है। ये हमेशा घटता बढ़ता है, 2-4 या 1 हफ्ते में हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो जैसे ही बढ़ता है तुरंत आपको इसे सेल कर देना होगा, ठीक ना, क्योंकि बहुत से ऐसे मार्केट है जहां पर गत्ता जो है कि ज्यादा मात्रा में लोग गत्ता लेते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि गत्ते का प्राइस जो शेयर मार्केट की तरह हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको ध्यान देते हुए आपको सबसे पहले संपर्क कर लेना होगा जहां पर गत्ता का होलसेल रेट लेते हैं, ठीक ना। तो बहुत से बड़ी बड़ी ऐसे मिल है, पेपर मिल्स वगैरह है जहां पर गत्ते का यूज करके कागज वगैरह बहुत कुछ बनाती है, तो वहाँ पर आपको मिलों पर संपर्क करना होगा। संपर्क करने के बाद वहाँ पर अच्छे अच्छे प्राइस में आपको जो है कि प्रोडक्ट आपका सेल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका बिजनेस करते हो तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे खासे इनकम कर पाओगे मात्र 1 महीने की। तो आपको थोड़ा सा माइंड से काम करना होगा कि जब प्राइस लो होता है तो प्रोडक्ट को खरीद करके आपको अपना स्टॉक करना होगा, और जब प्रोडक्ट का रेट हाई हो जाता है तो आपको प्रोडक्ट को सेल कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का बिजनेस का रूल है। अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। और इसमें कोई बात रही कि किसी प्रकार की लाइसेंस वगैरह तो इसमें कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 4-व्हीलर यानी 4 पहिया है तो आप इस बिजनेस को बहुत इजली बहुत तेजी से ग्रो कर पाओगे। अगर भाड़े का लेकर करते हो तो थोड़ा कम ही थोड़ा कम बेनिफिट होगा, बट बेनिफिट होगा। अगर खुद का 4-व्हीलर है तो बहुत बेस्ट है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बिजनेस अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।